वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ एस गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस ये है GTA 5 सीरीज का एपिसोड 12। तो गाइस लास्ट एपिसोड में सनी हमारे साथ नहीं था क्योंकि आप लोगों को पता होगा इसकी तबीयत जो है ना काफी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन अभी भी इसकी तबीयत खराब है, लेकिन इस बार हम लोग उसको ले ही आ गए किसी तरह यार, क्योंकि आपको पता है ना एक्सपर्टीज के बिना कुछ आपके मतलब इसके बिना आप लोगों को मजा नहीं आता, तो हम लोग सनी को भी लेकर आ ही गए। तो गाइस आज के एपिसोड में जैसा कि आप लोगों को याद होगा लास्ट एपिसोड के अंदर ना भाई हम लोगों ने प्रेजिडेंट को जान से मार दिया था, और भाई जब हमने प्रेजिडेंट को जान से मारा ना तो हमारे पीछे 5 स्टार की पुलिस पड़ गई थी, पूरी लॉस सेंटोस सिटी की जितनी भी पुलिस थी ना भाई हमारे पीछे पड़ी हुई थी, और हेलीकॉप्टर्स पता नहीं क्या क्या हमारे पीछे पड़े। और गाइस फिर ना लेस्टर ने हमारे हेलीकॉप्टर भेजा तो हम किसी तरह ना यहाँ पर बचकर आ गए थे। मैं ना कुछ दिनों से यहीं पर रुका हुआ था एंड ये बाइक भी मेरे को लेस्टर ने भेजी थी। फिलहाल के लिए ना गाइस सिटी के अंदर पूरी की पूरी जो पुलिस है ना वो हमें ढूंढ रही है, मतलब सामने लॉस सेंटोस शहर है आप लोग देख सकते हो, पूरी की पूरी सिटी में हमें जो है पुलिस वाले ढूंढ रहे, लेकिन हम लोग यहाँ पर छुपे हुए, जैसे यहाँ पर दूर दूर तक कोई पुलिस वाला नहीं है, तो यहाँ पर अभी तो मैं फिलहाल सेफ हूँ। लेकिन गाइस जैसे कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया भी था कि गाइस लेस्टर ना मुझे ना एक बंगलो दे रहा है, लेकिन वो बंगलो गाइस एक गैंगस्टर का है, बहुत बड़े गैंगस्टर का, तो अपने को ना वहां पर जाके कब्जा करना है, मतलब वहां पर अभी गैंगस्टर्स वगैरह रहते हैं अभी भी, लेकिन हम लोग ना वहां जाके कब्जा कर सकते हैं। खास बात क्या उस बंगले की कि वहां पर सिर्फ एक बंगला नहीं है, वहां एक मस्टैंग जीटीवी है, जो हमारे पास रियल लाइफ में कार है वही सेम कलर की, उसमें फोर्ड मस्टैंग जीटीवी है, तो अपने को ना भाई ये तो चुरानी पड़ेगी, कार भी चुरानी है और वहां उस घर पे भी कब्जा करना है, क्योंकि हम लोग ना हमारे जो लॉस सेंटोस का जो शहर वाला घर है ना गाइस वहां पर तो नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पर हमें भाई पुलिस वाले आके पकड़ ही लेंगे और मार देंगे जान से, क्योंकि इस बार तो सीधा ना हमारे ऊपर ना भाई अटेम्प्ट मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, पता नहीं सब मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, मतलब हमने मर्डर केस में हम लोग अंदर है, वो भी हमने प्रेसिडेंट को मारा है, तो भाई अगर हम लोग को मतलब उनको वो ऑर्डर दिया उन्होंने क्या बोलते मैं भूल गया, कि अगर जैसे वो मुझे देखे ना वैसे उनको मुझे जान से मारना है भाई, मतलब पकड़ना भी नहीं है सीधा जान से मारना है, तो भाई वही ये दिक्कत है। तो अभी के लिए ना मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, अभी के लिए ना अपने को देखो लैम्बोर्गिनी हुरैकन तो अपनी लेनी है, क्योंकि नए बंगले में मैं अपने जा रहा हूँ, तो भाई फोर्ड मस्टैंग तो होगी लेकिन अपनी लैम्बोर्गिनी को हम नहीं छोड़ सकते हैं, लैम्बोर्गिनी को लेके जाना है, और लैम्बोर्गिनी जो है वो खड़ी है मेरे घर पे, ठीक है, और घर पे होने वाली अभी काफी ज्यादा पुलिस, तो मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले ना अपने लिए एक मास्क खरीद लेता हूँ, मास्क जरूरी है, क्योंकि ना भाई अगर मैं ऐसे गया और किसी ने मुझे देख लिया तो आपको पता ही है भाई मेरे को सीधा के सीधा जान से मार देंगे, तो गाइस अपने को ना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा एक मास्क खरीदना पड़ेगा, और मास्क शॉप तो शहर के अंदर ही है, लेकिन गाइस हम लोग ना शहर के अंदर बाइक से तो नहीं जा सकते, क्योंकि ना भाई अगर उन्होंने किसी ने भी हमें देख लिया ना आपको पता ही शहर में तो यहाँ पर तो गाइस सीसीटीवीज नहीं लगे हुए, लेकिन शहर के जो हाईवे है ना गाइस और रोड्स है वहाँ पर चप्पे चप्पे पे कैमराज लगे हुए हैं, सीसीटीवीज लगे हुए, और आप लोगों को पता है जब से प्रेजिडेंट की डेथ हुई है तब से तो भाई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भी टाइट हो गई है, तो वहां तो हम लोग नहीं जा सकते। तो गाइस मैंने ना लेस्टर से बात कर ली थी और उसने हमारे लिए एक बोट भेजी है मस्त वाली, तो हम लोग ना साइड साइड से ना सी साइड से ही जाएंगे हम लोग, और सीधा ना शॉप की तरफ पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम लोग मेन रोड से गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो मैं ना अभी वहीं पर पड़ता हूँ सीधा। ओके भालू, तो अभी हम लोग ना बोट में तो बैठ चुके हैं खतरनाक तरीके से भाई, लेस्टर ने एक खतरनाक सी बोट या याच पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं भाई, लेकिन ये बहुत मस्त है भाई, स्पीड देखो जरा इसके ऊपर बहुत खतरनाक है, और हम लोग ना वो जो शॉप है ना वो भी हम लोग पहुंचने वाले, लेस्टर ने वैसे मुझे उसका लोकेशन भी दी थी, तो हम लोग ना ऑलमोस्ट अभी पहुंचने वाले, लेकिन भाई देखो सर एक बार भाई कैसे ये हवा में जा रही है भाई मस्त, और हम लोग ना बहुत जल्द एक अपनी प्राइवेट शिप और प्राइवेट प्लेन भी खरीद लेंगे जब हमारे पास अच्छा खासा पैसा हो जाएगा, तो मैं ना अभी इसको यहीं खड़ी कर देता हूँ फिलहाल के लिए, अपने किसी काम की नहीं, वैसे लेस्टर का कोई बंदा आके इसे फटाफट से यहाँ से लेके चला जाएगा, तो अभी ना हम लोग फटाफट से ना भाई कितनी गंदगी फैला के रखी है भाई, और ये बंदा क्या देख रहा है भाई जरा रुकिए मिनट इससे चलते हैं भाई, दूर दूर तक देखा जा रहा है, पुलिस पुलिस वाला तो नहीं भाई, इसके जेब में देखो गाइस वॉकी टॉकी पड़ा हुआ है, मेरे को पता नहीं भाई मेरे पे ना इस पे मेरे को इस पे शक है, तू क्या बोलता है उड़ा दूं, उड़ा दे हाथ में डंडा उठा ले, अरे भाई इसकी ऐसी की तैसी इसको ना उड़ा देते गाइस, मेरे को ना इस पे शक था भाई, इनका कुछ नहीं पता भाई कब ये पुलिस के साथ मिले हुए हो ना, और भाई हमारी लोकेशन बता रहे हो, तो भाई मैं रिस्क अभी ना बिल्कुल भी ले सकता, और अभी ना लॉस सेंटोस शहर के बिल्कुल अंदर ही हूँ, मतलब आप लोग समझ लो अंदर ही हूँ, अगर मेरे को अगर किसी ने खबर दी ना तो भाई एक सेकंड के अंदर ना यहाँ भाई हजारों के तादाद में पुलिस आ जाएगी, तो मैं वो नहीं चाहता बिल्कुल भी, तो मैं फटाफट शॉप ढूंढ लेता हूँ, शॉप कहीं लेस्टर, ये लेस्टर नहीं इधर ही कहीं बताई थी ना, वोरी 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 शायद से, ओके वोरी 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 ठीक है दिख गई मुझे, तो चलो चुपचाप चलते हैं, और गाइस कोई मुझे देख ना ले बस यार दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ना सारे के सारे टीवी चैनल्स पे भी हमारी न्यूज चल रही है, मैं फटाफट से सीधा अंदर जाता हूँ, ओके ये रही शॉप भाई, ओके मंकी वंकी कुछ करके, चलो इस पर चलते गाइस एंड देखते गाइस कौन कौन से मास्क है देखते जरा, ये Okay. ओ ये तो कुछ बहुत ही अजीब लग रहा है यार, ये नहीं नहीं ये नहीं ये ये सही लग रहा है स्कल, ओ ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, चलो गाइस $450 का ये, ओके तो गाइस अभी ना अपने को थोड़ी सी डरने की जरूरत नहीं, मेरे को लगता है टी शर्ट वी शर्ट भी खरीद लेनी चाहिए, तो गाइस कुछ ना कुछ कपड़े वपड़े भी खरीद ही लेते हैं, यहाँ से हम लोग खरीद पाएंगे क्या, मेरे को नहीं लगता अंदर जाना पड़ेगा, और नहीं इसमें यहाँ से हम लोग नहीं खरीद सकते, चलो कहाँ से खरीदे यार, कपड़े वपड़े की शॉप का है नजदीक में, चलो उस मास्क वाले के पास जाते हैं, उसके पास भी टी शर्ट वगैरह थी शायद, अगर हम लोग खरीद पाए इसको मुझे नहीं पता शायद खरीद पाएंगे या नहीं,
ओके आई थिंक खरीद सकते हैं ओके तो हम लोग ना टी शर्ट यहाँ पर चीप टी शर्ट है गाइस सिर्फ $10 वगैरह ओके भाई लोग तो अभी ना फिलहाल के लिए अपनी लुक जो है ना काफी ज्यादा चेंज होगी भाई इस मास्क को लगाने के बाद ना कोई हमें ऐसे पहचानने नहीं वाला इतनी आसानी से तो अभी ना मैं एक काम कर लेता हूँ फटाफट से ना कोई बाइक या फिर कार चुरा लेता हूँ यहाँ से और या फिर नहीं चोरी नहीं करते यार क्योंकि चोरी केस में पकड़े ना भाई अगर हमने नॉर्मली भी देख लिया ना पुलिस वाले फिर दिक्कत हो जाएगी मत कर ऐसा कर जो बाइक खड़ी है उसको उठा के लेकर चले हाँ वही कोई गाड़ी वाड़ी ओके यहाँ पर एक गाड़ी ना खड़ी हुई है इसको चुपचाप ना तोड़ वोड़ के इसका शीशा ना निकल लेते हैं इसी गाड़ी को लेके ना चल पड़ते हैं सीधा अपने घर की तरफ अपने को जल्दी से जल्दी ना अपनी लैम्बोर्गिनी वगैरह लेनी है एंड बस वहां से सीधा का सीधा निकलना है भाई उस बंगलों की तरफ और ना मेरे पास गन्स वन्स तो शायद पड़ी हुई थी घर में भी पड़ी हुई है कुछ गन्स तो वो भी मैं वहां से उठा लूंगा अगर पुलिस वालों ने अभी तक उसे मतलब सीज नहीं कर लिया वो मतलब खुद के पास ना रख लिया ओ भाई कैसे चलते भाई ये बाइक है कि नहीं बाइसिकल है भाई बाइसिकल तो बहुत ही ज्यादा स्लो होती है बाइसिकल तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेने वाला मैं ना थोड़ा ध्यान से चलता हूँ यहाँ पर ना कैमरेज लगे हुए देखो ये जो आप लोग रेड लाइट्स देख रहे हो ना यहाँ पे ना नजदीक नजदीक में इन्होंने कैमरे फिट किए हुए हिडन कैमरास जो कि भाई हर टाइम पिक्चर्स ले लेके ना पुलिस वालों के पास भेजते रहते भाई ये कैसे भाई तू ट्रैफिक मत तोड़ कैसे चलता है भाई ये जितना तू ट्रैफिक तोड़ेगा भाई यहाँ पर बंदे बहुत अजीब चलते गाइस चलो तो गाइस मुझे लग रहा है ना शायद घर पे पुलिस वाले हो पर गाइस वैसे तो 2-3 दिन हो चुके गाइस हम लोगों ने जब प्रेसिडेंट को मारा तो आई थिंक अभी तो नहीं होंगे 2-3 दिन से चेकिंग की होगी ओके अभी तो फिलहाल कोई पुलिस वाला मुझे लग नहीं रहा है इस घर के पास ओके हम लोग ना अंदर चलते गाइस ओके तो ओके गाइस अपनी लैम्बोर्गिनी यहीं पर खड़ी है काम करता हूं गाइस मैं फटाफट से इस गाड़ी को रुक जा ओ भाई छोड़ता हूं एकदम से मत जा ओके भाई तो पुलिस वाले ट्रैक बिछा के बैठे हो भाई हो सकता है भाई सही बोल रहा है यहां पर कहीं पुलिस वाले ट्रैक बिछा के उनको पता तो होगा क्योंकि ये लैम्बोर्गिनी वापस लेने आएगा ही आएगा तो भाई ये सही बोल रहा है सनी क्या पता भाई यहीं पर छुपे हुए हो कुछ पता नहीं भाई पर मैं चेक कर लेता हूँ अच्छे से उसके बाद ही लैम्बोर्गिनी में बैठूंगा नहीं तो भाई यहाँ पर दिक्कत हो सकती है वैसे अपने पास ना गन्स भी है तो मैंने हाथ में गन ले लेता हूँ अगर कोई भी पुलिस वाला सामने आया ना तो भाई मैं भून के रखूंगा ओके तो मुझे तो अभी फिलहाल तक तो नहीं लग रहा क्योंकि अगर अभी तक होते पुलिस वाले तो अभी तक जरूर फायर कर देते बट ना एक बार मैं घर के अंदर भी चेक कर लेता हूँ भाई इनका कुछ पता नहीं है पुलिस वाले बहुत दिमाग लगाएंगे क्योंकि हमने प्रेसिडेंट को मारा भाई किसी छोटे मोटे बंदे को नहीं मारा तो चलो अभी तो आई डोंट थिंक यार कोई घर के अंदर भी है तो एक मैं काम कर लेता हूँ ना गाइस फटाफट से ना जितनी भी अपनी गन्स और कैश जितना भी घर के अंदर पड़ा हुआ है ना वो सारा का सारा ले लेता हूँ और यहाँ से फटाफट से निकलते हैं हम लोग ओके भाई लोग तो अभी जितनी भी चीजें थी ना घर के अंदर मैंने सारी की सारी चीजें ले ली है कैश वैश एंड जितना भी सब कुछ सामान था वो सब कुछ ले लिया मैंने गाड़ी में रख दिया तो अभी ना मैं फटाफट से काम करते हैं पहले ना मैं लेस्टर को ना फटाफट से फोन कर लेता हूँ उससे पूछ लेता हूँ क्या सीन है भाई पूरा का पूरा यहाँ पर हम लोग लैम्बोर्गिनी कहाँ लेके जाने वाले क्योंकि उसने मेरे को उस जगह की ना लोकेशन अभी तक नहीं भेजी तो मैं लोकेशन मांग लेता हूँ जल्दी जल्दी से एंड फिर हम लोग यहाँ से सीधा निकल ही लेते हैं क्योंकि काफी ज्यादा टाइम भी हो चुका है और अभी अच्छा हमारे लिए पुलिस वाले नहीं है यहाँ पर अगर क्योंकि पुलिस वाले यहाँ पर आ गए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी और आप लोग सोच रहे हैं हमारी कावासाकी निंजा बाइक जो है वो कहाँ पर है क्योंकि हमने वो भी चुराई थी बहुत मस्त है वो भी लेकिन गाइस वो बाइक ना भी मैंने फिलहाल फ्रैंकलिन को दी हुई है क्योंकि ना फ्रैंकलिन की बाइक खराब हो गई थी तो उसने मुझे कहा था मैं खुद तुझे वापस दे दूंगा कुछ दिनों के लिए उसको चाहिए थी तो मैंने सोचा कोई ना अपने पास लैम्बोर्गिनी हुरैकन तो है ही तो यार मैंने उसको दे दी वैसे वो हमारी जो बाइक है ना वो हमारे नए वाले बंगलों पे ही छोड़ देगा ओके भाई तो लेस्टर ने ना अभी मेरे को लोकेशन भी भेज दिया मैं सीधा ना बिना टाइम वेस्ट किया ना सीधा वहां पर पड़ता हूँ अपने पास गन्स वंस तो सब कुछ लोडेड ही है तो ना मैं जल्दी जल्दी से चलता हूँ और गाइस लेस्टर ने मुझे ये चीज बोली है भाई कि ना थोड़ा ध्यान से जाना क्योंकि ना वो जो गैंगस्टर है ना वो कोई छोटे मोटे गैंगस्टर नहीं है भाई और उनके पास भी गन्स बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी है तो भाई थोड़ा बच के रहना नहीं तो मारे जाओगे तो वही चीज है तो चलो अभी चलते हैं सिटी से तो वो काफी ज्यादा दूर है मैं यहाँ से था ना हाँ जो चलो चलते ओके भाई लोग तो हम लोग ना अभी बंगलों के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके ऑलमोस्ट ना भाई बहुत ज्यादा लंबा रास्ता था भाई हम लोग ना शहर से भी काफी ज्यादा दूर है मतलब उतना भी दूर नहीं है बट देखा जाए तो दूर है पर हमारे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारे पास लैम्बोर्गिनी हुरैकन और अभी तो फोर्ड मस्टैंग भी होने वाली है तो ज्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला और मुझे लगता है कि ये रुको मैं ना गाड़ी के ऊपर साइड में पार्क कर देता हूँ मुझे लग रहा है भाई ये भाई ये बंगला है क्या बंगला इतना बड़ा है तो बेंगलोर है भाई ये क्या है भाई इतना बड़ा बंगला भाई साहब गाइस एक मिनट रुको मैं ना इससे चेक करता हूँ एक बार देखो जरा भाई आप भाई कितना बड़ा है ये भाई यहाँ से लेकर फैला हुआ है यहाँ से लेकर ऊपर होटल लग रहा है भाई बंगला तो लग रहा है बंगला भाई पता नहीं क्या है भाई इतना बड़ा बंगला है भाई देखते जरा जाके गाइस लेकिन अपने को थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा इतना बड़ा बंगला है तो सिक्योरिटी भी गाइस काफी खतरनाक होगी तो मैं ना पहले एकदम नॉर्मल बंदे की तरह ना एकदम चुपचाप से जाता हूँ और अच्छी बात यह लेस्टर ने तब इसीलिए गाइस ये बंगला यहाँ पर दिया क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखो जरा यहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं है पुलिस नहीं है कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पर हम लोग बिल्कुल सेफ है तो अभी ना मैं काम करता हूँ गाड़ी को ना गाइस फिलहाल के लिए ओके गाइस गाड़ी को ना मैं यहाँ पार्क कर देता हूँ ओके एंड गाइस ये भाई वो रहा बंदा है गन लेके खड़ा हुआ है भाई 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 यहाँ पे कोई रिस्क नहीं ले सकते काम करता हूँ ना गाइस मैं
चुपचाप ना पहले नॉर्मल ना नॉर्मल बंदे की तरह चलता हूँ। मैंने देखो गाइस जैसा लेस्टर ने बोला था ना सिक्योरिटी तो यहाँ पर होगी और वही हुआ गाइस। सिक्योरिटी तो यहाँ पर है गाइस, यहाँ पर भाई क्या स्पीड में आ रहा है बंदा, भाई उड़ा देगा क्या मुझे। तो गाइस यहाँ पर सिक्योरिटी तो बाहर भी ओके भाई। बंगला देख कितना बड़ा है भाई, गार्डन ही देख कितना बड़ा है भाई इनका। ओके गाइस तो यहाँ पर ना बड़ा है बट भाई आराम से वही ठुकना देते को भाई। हाँ इनका कुछ पता नहीं भाई कब गुस्से में। अरे भाई भाई किसने ठोक दिया यार ऐसी। अब बाप रे अब क्या करेगा, अब तो जिसको मार भी नहीं सकता। अब इसको जाने देते हैं गाइस क्योंकि ना अभी यहाँ पर ना ये गैंगस्टर है तो भाई क्या पता इनका कब दिमाग फिर जाए मुझ पे गोली वोली चला दे। ओके गाइस ये है। ओके भाई अंदर भी सिक्योरिटी है भाई, अंदर कुछ दिख रहा है। ओके भाई एक काम करता हूँ ना मैं थोड़ा ना ऊंचाई पे जाता हूँ, यहाँ पर चला जाता हूँ, ऊपर से पुराना सीन देखता हूँ कि कितने ज्यादा यहाँ पर कितने सारे गैंगस्टर पहले गिन लेते हैं। और मेरे को लगता है ना ऊपर से इनको मारना सही रहेगा स्नाइपर से, क्योंकि अगर मैं नजदीक में गया ना तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो मैं ना फटाफट से ना यहाँ पे आ जाता हूँ। बारिश भी धीरे धीरे स्टार्ट। ओ भाई तो कितना बड़ा बंगला है यार ये भाई, ये बंगला है कि क्या है भाई, और नीचे रुपए सबको देख। अरे मेरी स्नाइपर को क्या हो जाता है एक बार बार। ओके ये रही एक बंदा तो गाइस यहाँ पर है भाई, ये तो भाई पूरा एकदम लोडेड है गन के साथ, ये बंदा पूरा लोडेड है। और अंदर में भी वो दिख रहा है थोड़ी थोड़ी दिख रही है गाड़ी, दिख रही है मस्टैंग गाइस, थोड़ी थोड़ी मस्टैंग दिख रही है भाई। ओके एंड एक बंदा यहाँ का ही था, मैं भाई मुझे लगता है ना घर बहुत ज्यादा बड़ा है तो यहाँ पर ना बंदे भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं। मैं एक काम करता हूँ एक एक करके ना सबको टपका देता हूँ। अच्छी बात ये ना भाई मैं तो सोच रहा हूँ लॉन्चर पकड़ लो, लॉन्चर नहीं 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 भाई घर को डैमेज हो जाएगा, ये घर अपना होने वाला है भाई। पीछे पीछे के बंदूक है। हाँ पहले ना गाइस अपने उसमें साइलेंसर तो लगा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं ना इसको उड़ा देता हूँ। एक उड़ी अपना ओके उड़ाएंगे। अब एक गया गया इसको जल्दी उतार गया दूसरा भी। ये कैसे भरा लो अभी और तो नहीं बचे, और भी होंगे गैस वैसे तो होंगे। छत पे देख लेता हूँ एक बार, गैस छत पे तो नहीं है क्योंकि छत पे तो खाली है भाई, छत पे भी कुछ नहीं है। तो अभी के लिए ना आई थिंक मुझे ना अंदर चले जाना चाहिए, क्या बोलता है। चल 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 भाई तो गाइस हम लोग एक काम करते हैं। बंदा 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 है कहां पर, कहां पर क्यों हो रहा हो रहा ठीक ठीक रहती इसको ठाप ले बेटा ये भाई। मुझे लगा ही था गाइस इस घर के अंदर ना काफी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड हो सकते हैं। अब मुझे नहीं पता और भी होंगे या फिर नहीं, तो इसलिए ना अपने को ना हाथ में AK-47 रख लेनी चाहिए अपने, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं रोड थोड़ा ध्यान से क्रॉस करता हूँ क्योंकि यहाँ पर ना ड्राइवर्स भाई पूरे पागल है, कभी भाई उड़ा देता भाई मुझे ये बंदा। तेरी ऐसे कितनी निकल यहाँ से बाकी बाकी। अरे भाई भाई इसके साथ तो बहुत गलत हो गया भाई। ओ भाई नामो निशान नहीं बचने वाला भाई। रुकी नहीं थी गाड़ी इसकी। अब पुलिस पुलिस को कोई फोन कर दे, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। चलो हमारे को यहाँ पे अपनी ना इमेज बिल्कुल साफ रखनी है भाई, बिल्कुल ताकि लोगों को ऐसा ना लगे। और वैसे दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि यहाँ पर ना दूर दूर तक कोई घर वर नहीं है, यहाँ पर पुलिस वुलिस आने का चांस भी नहीं है। ओके गाड़ी आ रही है भाई, काम चल रहा है यहाँ पर तो लाशें पड़ी है, मैं अंदर ले जाता हूँ गाड़ी। ओके भाई लोग तो गाड़ी तो मैं अंदर लेके आ चुका हूँ। ओपी और व्हाट, ओपी और व्हाट। तो गाइस यहाँ पर फोर्ड मस्टैंग जीटी हमारे सामने है गाइस, आप लोग देख सकते हो जरा एक बार यार, देखो जरा भाई एक बार ये कैसी लग रही है भाई। सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं ना, कोई नहीं है लिटरली, भाई जो हमारे पास रियल में है ना गाइस वही सेम वैसी लग रही है गाइस। एकदम यार एक बार देखो जरा भाई एक बार। और जिसने भी नहीं देखी गाइस इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर देना, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स डाली हुई है मस्टैंग के साथ में, तो लिटरली सेम बिल्कुल जैसे रियल लाइफ में ना। ये देख सकते हो आप लोग गाइस हमारी मस्टैंग को पूरा एकदम बिल्कुल एक्जेक्टली सेम है, देखो गाइस एक बार भाई, होपफुली आपको दिख रही होगी अच्छे से। भाई लॉन्चर फेंक दूं तो भाई नहीं, वो पागल हो गया तेरा दिमाग सही है भाई क्या कर रहा है बूम भाई पागल हो गया तू भाई। तो गाइस भाई देखो जरा एक बार क्या ही, तो ये खतरनाक लग रही है गाइस मस्टैंग, लोगों भी पीछे वाले बिल्कुल सेम है गाइस। एक काम करते हैं, मैंने एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव पे जाता हूं यार, क्योंकि मस्टैंग मिली है थोड़ा भगाते जरा देखते। वैसे ना मैं एक बात आप लोग को बता दूं, एक मिनट, हाँ मुझे लगा ही था भाई इस कार की ना सर्विस नहीं हुई है मुझे लगता है बहुत टाइम से, क्योंकि ना भाई ये बहुत ज्यादा ना इसकी ब्रेक्स वगैरह और जो स्पीड वीड है ना वो बहुत ज्यादा बेकार हुई है भाई। बाहर से तो इन्होंने मेंटेन करके रखी है वॉश वॉश करके, लेकिन इसकी ना सर्विस वर्विस नहीं करवाई है ना इसमें ना अच्छे से मॉडिफिकेशंस करवाई है। तो अभी ना हम लोग एक काम करेंगे, अब मस्टैंग अपनी हो ही चुकी है तो इसमें ना हम लोग पूरी की पूरी मॉडिफिकेशंस भी करवा देंगे, जैसे हमने लंबोर्गिनी में करवाई थी अच्छी अच्छी मस्त वाली, तो इसमें भी हम लोग करवा देंगे क्योंकि इसकी ना स्पीड वीड ना बहुत ज्यादा ना मुझे कम लग रही है। साथ में फास्ट भी नहीं है, उसकी ब्रेक्स वेक्स भी ना
काफी ज्यादा बुरी है और टायर्स भी शायद इसके घिस चुके हैं बहुत गंदे तरीके से। मस्टैंग तो मस्टैंग है भाई, तो इसको हम लोग ना मॉडिफाई भी करवा देंगे। और आपको पता ही हमारे दोस्त की एक कस्टम शॉप है एकदम, जहाँ पर हम लोग अपनी लंबोर्गिनी हुरेकन भी मॉडिफाई करवाते रहते हैं, तो वहीं पे हम इसको भी मॉडिफाई करवा देंगे। तो गाइस हमारी क्या नाम कावासाकी निंजा हम लोगों ने दी हुई है अपने दोस्त को मॉडिफाई करवाने के लिए। तो मैंने अभी टेस्ट ड्राइव तो ले ली है इसकी, वैसे तो गाड़ी एक नंबर है लेकिन इसमें ना थोड़ी सी सर्विस नहीं हुई है और इसकी ब्रेक्स वगैरह थोड़ी सी खराब है और टायर्स भी खराब है, तो वो चेंज करना है और बाकी थोड़े अपने मॉडिफिकेशंस भी करवाएंगे जिससे इस गाड़ी ना बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी। और इसका एग्जॉस्ट भी मैं चेंज करूंगा, अभी भी इसका एग्जॉस्ट वैसे काफी लाउड है लेकिन इसका एग्जॉस्ट हम लोग और भी लाउड कर सकते हैं। एक काम करता हूं, मैंने अभी तक घर नहीं देखा पूरा का पूरा, मैं सीधा मस्टैंग पे आ गया। तो एक काम करते हैं, घर के अंदर और गार्ड्स खड़े हो और तू यहां पे मजे कर रहे हैं, गाड़ी को ना घर के अंदर ले जाते हैं वापस एंड देखते हैं। ओके भाई, तो अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं भाई, अपनी लंबोर्गिनी यहीं पे खड़ी है। काम करते हैं मस्टैंग को भी ना, एक मिनट ये गंदी सी इसकी भाई हटाओ यार, इसकी लाशों को भी फेंक दे भाई, लगाना पड़ेगा। हां रुक जाओ भाई, फिलहाल के लिए यहीं छोड़ देते गाइस। और हम लोग ना भाई पता नहीं कब यार, लेकिन रियल लाइफ में भी हम लोग लैम्बोर्गिनी हुरेकन जब भी लेंगे गए सेम यही कलर की लेंगे, यही कॉम्बो है और भाई यही कॉम्बो होगा हमारा मस्टैंग और लैम्बोर्गिनी हुरेकन का। एक बार देखो जरा कितनी ज्यादा मस्त लग रही है भाई, और अगर रियल लाइफ ज्यादा मस्त लग रही है भाई रियल लाइफ में। एक मिनट मैं रुकूंगा, सच में आज मैं इसकी फोटो लेने वाला हूँ और जब भी मैं गए सच में लैम्बोर्गिनी हुरेकन लूंगा तब भी सेम ऐसी ही पिक्चर लूंगा। तो मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ। ओके मैंने पिक्चर ले ली, इसको सेव करता, दो तीन गाड़ी और खड़ी हो भाई। नहीं नहीं भाई, लैम्बोर्गिनी हुरेकन आ जाए वही बहुत है, पर पता नहीं कब आएगी। बट ठीक है यार गाइस, ये देख सकते हो आप लोग। अभी ना काम करते, बारिश भी स्टार्ट हो गई तो हम लोग ना यहाँ पर अंदर चलते गए, पूरा का पूरा घर देखते हैं। बट पहले ना सीधा दरवाजे से अंदर नहीं जाऊंगा, मैं साइड से ना देख लेते हैं पर क्या सीन है यहाँ पर। ओके यहाँ पर लाश पड़ी है, यहाँ पर बंदे हो सकते हैं गाइस, कुछ पता नहीं है। घर बहुत ज्यादा बड़ा है तो कुछ भी बड़ा तो है भाई घर बहुत। तो अभी हम लोग चलते गए इधर की तरफ एंड ओके यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है। ओके और यहाँ पर भी कोई नहीं है, ठीक है। अभी तक तो मेरे को आवाज आवाज भी नहीं आ रही, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई है और इतने ही बंदे थे शायद यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बोला भी था वो गैंगस्टर ना ज्यादा यहाँ पर रहता नहीं है और यहाँ पर पूरा का पूरा खाली है यार, खाली है पूरा का पूरा भाई, कोई भी नहीं है यहाँ पर। चलो बढ़िया है गाइस, लेकिन घर बहुत बड़ा यार। मैं सोच रहा हूँ नीचे वाला बेडरूम लूंगा यार, क्योंकि यहाँ से ना भाई बाहर आओ तो एकदम मस्त व्यू है भाई। मतलब यार घर देखो एक बार यार, बहुत ज्यादा मस्त घर है यार। जाओ भाई यहाँ जा भाई, यहाँ से व्यू देखो जरा एक बार, पूरा सिटी, सिटी तो नहीं दिखती वैसे यहाँ से, नहीं दिखती यहाँ से, बट यहाँ समुद्र दिखता है। आप लोग देख सकते हो क्या ही मस्त व्यू है यार, यहाँ पर इन्होंने रॉक्स वगैरह के लगा करके सीढ़ियां भी इतनी मस्त है भाई। ये घर तो मेरे को ना बहुत ज्यादा पसंद आ गया, रात का तो और रात में तो और भी सुंदर दिखाई देगी। तो गाइस एक बार देखो जरा यहाँ पर क्या ही तो मस्त घर है, व्यू भी यहाँ से मस्त मस्त आता होगा। अभी तो फिलहाल बारिश हो गई है और स्विमिंग पूल भी यहाँ पर काफी बड़ा जैसा है, मैं इसमें कूद जाता हूँ एक बार। ओके तो भाई स्विमिंग पूल भी इसमें काफी मस्त है यार, तो एक काम करते ना। तो भाई लोग घर तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो भाई लोग अभी ना मेरे को मेरे कस्टम्स वाले दोस्त का फोन आ रहा है, जहाँ पर हम लोगों ने अपनी कावासाकी निंजा दी थी मॉडिफाई करने के लिए, क्योंकि ना फ्रैंकलिन ने उसको काफी ज्यादा गंदा कर दिया था। हम लोग फ्रैंकलिन को अपनी बाइक देते रहते हैं लेकिन अब मैं उसको देने नहीं वाला, क्योंकि उसने ना भाई इस बार बहुत ज्यादा खर्चा करवा दिया, बहुत गंदी कर दी थी बाइक और टायर वायर भी पूरे किस दिन फट गया था एक टायर तो पूरा। तो अभी ना उससे बात कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ गाइस वो क्या बोल रहा है। ओके भाई लोग, तो मैंने ना अभी अपने फ्रेंड से बात तो कर ली, वो कह रहा है कि उसको ना हम लोग को ना जल्दी जल्दी से आना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि हम लोग को पेमेंट करनी है, साथ में वो अपनी शॉप ना बंद करके कुछ दिनों के लिए अपने गाँव जा रहा है। तो हम लोगों ने वहाँ से कावासाकी निंजा उठा लिया और हम लोगों ने यहाँ पर घर का काम तो पूरा कर ही दिया है। तो मैं काम करता हूँ, हम लोगों ने यार अपनी गाड़ियाँ ना ऐसे खड़ी करके रखी है ना यहाँ पर भाई। एक काम करता हूँ, रुको हम लोग ना अभी एक काम करते हैं, लैम्बोर्गिनी को नहीं, हम लोग ना लैम्बोर्गिनी को यहाँ नहीं छोड़ते, हम लोग ना मस्टैंग को यहाँ पर छोड़ देते हैं अभी ना, क्योंकि मस्टैंग में बहुत काम होना है और अपने को ना शहर जाना है। तो भाई शहर जाने के लिए अपने को थोड़ी फास्ट कार चाहिए, तो मैं काम करता हूँ पहले तो इसको यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ भाई इसके नीचे प्रॉपर तरीके से, ताकि ये भीगे ना। ओके क्योंकि ना बारिश बहुत तेज हो रही है, वैसे हमारी लैम्बोर्गिनी और ये दोनों गाड़ियां ना एक साथ यहाँ पर पार्क हो जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। एक को हम अंदर डाल सकते हैं, एक को बाहर रख, नहीं बाहर में ही दोनों आ जाएगी, इजीली बाहर आ जाएगी, बल्कि चार गाड़ी आ सकती है यहाँ पर। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये मस्टैंग को तो यहीं पर छोड़ते हैं, लैम्बोर्गिनी को ऐसे ले जाते हैं और अपने को ना जैसे कि आपको पता ही है अपने को मस्टैंग भी वो मॉडिफाई करवानी थी, लेकिन अपना दोस्त तो जा रहा है अभी गाँव, लेकिन मेरा एक और दोस्त है जो कस्टम्स की गाड़ियां मॉडिफाई करता है बहुत ज्यादा खतरनाक, तो हम लोग ये मस्टैंग उसके पास लेके जाएंगे। ओके तो भाई लोग चलते हैं अभी फटाफट से। अरे भाई यार आगे से हट जाए, अरे वही चीज है हमारे मस्टैंग जो है ना वो थोड़ी सी स्लो हो गई अभी, लेकिन अपनी लैम्बोर्गिनी है ना भाई ये तो भाई मक्खन की स्पीड से चलती है भाई। और भाई लोग यहाँ पर थोड़ी बारिश ने ना पूरी की पूरी रोड्स जो है ना वो गीली कर दी है भाई, हल्की सी बारिश हुई और आप लोग देख सकते हो रोड्स का हाल क्या हो चुका है भाई। ये भाई लेकिन अपनी लैम्बोर्गिनी ना एक बार भाई देखो जरा एक बार, बहुत ज्यादा मस्त है यार। मतलब इस थोड़ा कीचड़ लग गया बट भाई देखो जरा एक बार यार भाई क्या ही तो मस्त है, मतलब कीचड़ वीचड़ लग गया लेकिन स्पीड वीड जो है ना इसकी भाई वो काफी मस्त है यार भाई। लैम्बोर्गिनी ना पता नहीं हम लोग रियल में कब लेंगे, बट लेनी जरूर है यार एक दिन भाई, और लेनी भी लैम्बोर्गिनी हुरेकन ये सेम कलर भाई।
तो बट चलो अभी फिलहाल के लिए चलते गए जल्दी जल्दी से एंड मैं अभी सिटी पहुंचता हूँ। ओके वालों, तो हम लोग ना फाइनली यहाँ पर हमारे जो दोस्त की शॉप पे पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। और गाइस यहाँ पर गाड़ी देखो हमारी कितनी ज्यादा कीचड़ में गंदी हो गई है, यहाँ पर गाड़ी नहीं है, पहले हमेशा यहाँ पर गाड़ियां ही नहीं है। चलो गाइस मैं जाता हूँ एक बार अंदर देखता हूँ। ओके वालों, तो मैं तो यार यहाँ गैरेज से बाहर आ चुका हूँ क्योंकि यार मेरा जो दोस्त है ना वो तो यहाँ पर नहीं है, उसको फोन वोन कर लेता हूँ ठीक है, क्योंकि पता नहीं उसने तो हमें यही बुलाया था, पता नहीं वो कहाँ है, इसको फोन कर लेता हूँ एक बार। ओके वालों, मेरी ना उससे बात हो गई लेकिन वो ना बहुत ज्यादा डरा हुआ था और पता नहीं क्या बोल रहा था, पता नहीं बोलते बोलते उसका फोन कट गया। 3-4 सेकंड उससे बात हुई लेकिन वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो अभी ना मैंने एक काम कर दिया भाई, उसका ना फोन भी ऑफ हो गया, सब कुछ पता नहीं क्या हुआ, एकदम से बहुत जोर से आवाज दी थी उसका, किसी ने उसका फोन उठा के पटक दिया, तोड़ दिया और पता नहीं क्या हुआ। तो एक काम कर लेता हूँ, मैंने ना गैस लेस्टर को भी उसका नंबर दे दिया है, लेस्टर का नंबर टैप कर रहा है, ट्रेस कर रहा है उसकी लोकेशन, वो जो मुझे थोड़ी देर में ही भेज देगा। तो हम लोग ना अभी चलते हैं यार भाई फटाफट से, एंड उसको ढूंढना पड़ेगा। मुझे लगता है ना उसके साथ कुछ तो सीन हो गया क्योंकि यार हमारी गाड़ियां वो मॉडिफाई करता है पूरे शहर में सबको पता है। तो मुझे लगता है या तो उसको किसी गैंगस्टर वैंगस्टर ने उठा दिया है या फिर पुलिस वालों ने उठा दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं यार किसने उठाया, बट जो भी है अभी उसकी मदद करनी पड़ेगी यार, क्योंकि वो हमारी मदद करता है तो यार हम लोग उसकी मदद करेंगे। तो चलो अभी चलते हैं। तो गाइस अभी ना मुझे लेस्टर का फोन आ गया था, लेस्टर ने मुझे लोकेशन तो भेज दिया, हम लोग ना सीधा लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे को लग रहा है कुछ सीरियस चीज हो गई भाई, वो ना मुसीबत में पहाड़ी वाले एरिया में जाना पड़ेगा, तो चलते हैं जल्दी जल्दी। ओके वालों, तो हम लोग ना उस लोकेशन पे तो आ चुके हैं और ऊपर से ना भाई गोलियों की आवाज आ रही है, बहुत गंदी वाली, मतलब बहुत तगड़ी वाली फायरिंग हो रही है, अब मेरे को डर लग रहा है भाई। तो जल्दी जल्दी से चलते हैं, गोलियों की आवाज बहुत तगड़ी, गोलियां फायरिंग चल रही है ऊपर भाई, देखते जरा क्या सीन है भाई। ऐसा ना यार कहीं वहां पे सारा पुलिस वालों ने ट्रैप बिछाया भाई तेरे को पकड़ने के लिए। ओए भाई बंदी है ये, पुलिस वाले नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, गैंग मेंबर्स है, गैंग मेंबर्स है, रुक जाओ रुक जाओ, ये कोई तो गैंग वाले बंदे हैं, जा स्ट्रेट घुसा दे गाड़ी। नहीं नहीं गाड़ी नहीं घुसा सकता भाई, गाड़ी नहीं घुसा सकता, रिस्क नहीं ले सकते, मेरे पास मशीन गन है। एक काम करते, ओके ये रहे बंदे, तेरी ऐसी की ऐसी बेटे, एक गया, ये रहे ना, ये देखो फायरिंग करने लगा हुआ भाई बंदा, ये ले तेरी ऐसी की तैसी, ये भी गया, तेरी ऐसी की तैसी बेटा, ये भी गया, और वो रहा बंदा, ये ले भाई ये भी गया भाई, मशीन गन बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई इसके सामने ना, पर भाई मेरे को ये बच्चे है भाई, चल चल आगे चल, ये बंदा वहां फायरिंग कर रहा है, वहां पे बंदा राइट साइड में, बंदा राइट साइड में, बंदा राइट साइड में बंदा, एक मिनट रुक जा। ओ भाई ये ऐसी की तैसी भाई, पर देखो जरा भाई ये बहुत खतरनाक गैंग है, कोई मारो सा, मार मार मार, ये ले भाई इसके, भाई ये किसको शूट कर रहा है, इसको मार किसको रहा है ये, अरे भाई ये लोग, ओके 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 भाई जैसा मुझे लगा ही था भाई, जैसा मुझे लगा ही था, ये लोगों ने भाई हमारे दोस्त को मार दिया गाइस, जो मेरा दोस्त था गैरेज वाला, वो जो हमारी गाड़ियां मॉडिफाई करता था, इन्होंने उसको मार दिया। एक मिनट जो मैं उसको मार दे, इसको मार दे, उससे देखता हूँ जरा एक बार, अरे मत मार दे ना उसको भाई, स्टेट तेरे को मार दे तो भाई, ऊपर हेलीकॉप्टर भी रुक जाओ मेरे, उन्हीं का है क्या ये, एक मिनट, इसकी ऐसी की तैसी भाई, निकल गया है तो निकल गया, कोई बात नहीं, इसको उड़ा भाई, ये तो भाई बहुत ही गंदा मारने में लगा हुआ है, एक मिनट रुक जाओ, इसको पता भी है हम आ चुके फिर भी भाई, भाई मार किसको रहा था लेकिन यार, वो मेरे को लगता है मेरा दोस्त ही है यार। ओ बाइक भाई, हमारी बाइक में आग लगा के गाइस, ये वही बाइक है, मैंने इसको मॉडिफाई करने के लिए दिया था और इसने इसको मॉडिफाई भी कर दिया था, जैसे मैंने इसको बोला था मॉडिफाई करने के लिए, पूरी लुक चेंज कर दी थी, और इन्होंने क्या किया, इस पे आग लगा के इसको पूरा का पूरा खराब कर दिया भाई, पूरा भून दिया भाई, तेरा दोस्त भाई, और ये रहा मेरा दोस्त यार जो अपनी गाड़ियां मॉडिफाई करता था भाई, इसकी लाश बिछा दिया भाई, बहुत भाई तुझे हंसी आ रही है भाई, अपना दोस्त है भाई यार ये भाई साहब, इन्होंने इसको बहुत ही, थे किसके गैंगस्टर्स भाई पता नहीं यार, मुझे नहीं पता है किसके गैंगस्टर थे, लेकिन इन्होंने ना भाई मेरे दोस्त को भी मार दिया भाई, अभी तेरे को इसकी बॉडी लेके जाना पड़ेगा भाई। भाई साहब ये क्या सीन कर दिया इन लोगों ने यहाँ पर यार, भाई मुझे तो लगता है ये ड्रग माफिया के गैंगस्टर थे यार, पता नहीं भाई, पता नहीं, ये ड्रग माफिया के गैंगस्टर, तो गाइस हमसे बदला लेने के लिए ना इन्होंने हमारे दोस्त को मार दिया यार, अभी ना कुछ भी हो सकता है यार, ये लोग हमें भी कभी भी कभी ना कभी मार सकते हैं, तो अभी हम लोग ऐसे नहीं घूमेंगे यार। तो भाई लोग अभी के लिए तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ भाई फटाफट से, इससे पहले कि पुलिस वुलिस आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ना गाड़ियों वाड़ियों ने देख लिया था और हेलीकॉप्टर ने भी देख लिया था, क्या पता अभी तक कंप्लेंट कर दिया तो पुलिस कभी भी यहाँ पर आती होगी, तो मैं यहाँ से फटाफट से निकल जाता हूँ। वैसे हमने अपने दोस्त के मौत का मतलब तो ले लिया है उसके गुंडों से, लेकिन ड्रग माफिया को ना अभी हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि भाई उसने ना हमारे दोस्त को मार के ना बहुत बड़ी गलती कर दी है भाई, अभी वो जिंदा नहीं छोड़ सकते हम लोग उसको यार, पहले तो हम लोग चलो अलग दुश्मनी थी, लेकिन भाई उसने हमारे दोस्त को मार के ना
बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओके भालू, तो फिलहाल के लिए ना हम लोगों ने देख, जैसे कि देखा हमारे दोस्त को तो मार दिया लोगों ने, लेकिन यार अभी ना एक अच्छी, एक तो बुरी खबर हम लोगों को मिल चुकी है, लेकिन अच्छी खबर ये है, जैसे कि आपको याद होगा माइकल की जो पत्नी और बच्चे थे ना, वो सब इसको छोड़ के ना अपनी नानी के घर चले गए थे, ठीक है, मतलब इसकी बीवी के मम्मी के घर पे चले गए थे और वो इतने टाइम से वहीं पर थे, ठीक है, लेकिन वो फाइनली ना अभी आज घर आने वाले, पहुंचने वाले, और उन्होंने मेरे को, भाई पुलिस जा रही है भाई, मैंने बोला था भाई मास्क पहना हुआ है तूने, हमने मास्क तो पहना हुआ है, फिलहाल के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम लोगों को ना अभी घर जाना पड़ेगा क्योंकि इतने टाइम के बाद फाइनली ना माइकल की बीवी और बच्चे घर आ रहे हैं, तो माइकल को उनसे मिलना है और भाई उनको ना यहाँ से वैसे शहर से अपने को वापस भेजना पड़ेगा उन्हीं के घर पे, या फिर उनको नए घर पे बुलाना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि वो घर पे तो हम लोग नहीं रह सकते। तो भाई लोग अभी ना मैं फटाफट से चलता हूँ हमारे पुराने वाले घर पे एंड देखता हूँ गाइस वहाँ पर वो लोग पहुंचे या फिर नहीं। ओके भाई लोग, तो अभी ना हम लोग फिलहाल घर तो पहुंच ही गए, यहाँ से अपना रास्ता है भाई, मैं तो पुराने घर का ना घर भी रास्ता भी भूल गया, बच्चे से याद भी नहीं है। ओके फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई पुलिस वुलिस नहीं है, ना ही कोई गैंगस्टर, और हमारी जो पुरानी वाली लाल कलर की गंदी सी गाड़ी वो भी यहीं पर खड़ी हुई है। तो ये हम लोग एक काम करते हैं ना, जल्दी जल्दी से ना घर के अंदर जाते हैं, देखते हैं वो सब पहुंचे या फिर नहीं, और ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जरा देखता हूँ मैं घर जाके अंदर। ओके भाई लोग, तो अभी ना मैं उनसे घर वालों से मिल लेता हूँ, वैसे वो ऊपर होंगे या तो रूम में, वैसे आवाज नहीं आ रही यार किसी की, रुक जाओ एक मिनट ना, पहुंच तो जा रही थी, रूम में देख लेते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं है, बेटी तो नहीं है घर पे, बेटा तो पक्का होगा भाई, वो तो गेम खेल रहा होगा अपने रूम में आके वापस। चल चल चल, तो चलो गाइस देखते हैं उसके रूम में जाके, ये तो अरे सॉरी घर है, ये उसका रूम था यहाँ पर, एक मिनट रुको गाइस, ये रहा गार्डन में सबके सब तो वहां चल पड़ते हैं अभी तक, क्योंकि फोन करके बोल दिया था कि हम लोग घर पहुंच चुके हैं। ओके भाई यहाँ पर ये सब तो पड़ा हुआ है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है यार, यहाँ भी नहीं है, शायद बाहर गए हो गए थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर भी नहीं है भाई, नीचे भी नहीं दिख रहे मेरे को। ओके कुछ तो सीन है गाइस, मेरे को कुछ तो ना गड़बड़ लग रही है यहाँ पर। ओके भाई लोग, तो मेरा शक सही था, यहाँ पर ना मेरे को भी एक अननोन नंबर से फोन आया और वो कोई और नहीं ड्रग माफिया था, और भाई अब यहाँ पर एक और गड़बड़ हो चुकी है भाई, ड्रग माफिया ने इसकी जो माइकल की जो बीवी और बच्चे है ना उन सबको किडनैप कर दिया है, और अभी ना भाई मेरे को डर लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से उसने इसके दोस्त को अभी जान से मार दिया ना, क्या पता वो कुछ भी कर सकता है उनके साथ भी, तो मैं अभी ना मार दे भाई, कुछ पता नहीं है अभी ना, अपने को डर लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, अभी फटाफट से ना लेस्टर के पास जाता हूँ, उसको पूरी की पूरी बात बतानी पड़ेगी, वो अभी माइकल से $50 million मांग रहा है उसके बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए, $50 million भाई। उसका कहना ये है कि भाई जैसे तू हमारे उस पे आया, हम लोगों ने उसका जो गैरेज क्या था वो, उसका जो था बंकर वंकर उसका था वो हम लोगों ने तबाह किया था, उसका ड्रग पूरा जला जला दिया था, उसके बेटे को मार दिया था, उसके बाद वो कह रहा है कि $50 million मुझे चाहिए तभी जाके मैं तेरी बीवी बच्चों को छोड़ूंगा, नहीं तो इनको जान से मार दूंगा। तो भाई अभी ना इतना पैसा भाई हमारे पास $1 million भी नहीं है, $50 million तो कहां से देंगे। भाई लोग माइकल अभी बहुत ज्यादा गुस्से में, तो हम लोग जल्दी जल्दी से चलते हैं लेस्टर के पास एंड देखते हैं भाई अब तो लेस्टर ही हमारी मदद कर पाएगा। तो गाइस हम लोग फाइनली अभी ना इसके ऑफिस पे पहुंच चुके हैं, लेस्टर के फैक्ट्री पे जो भी थी अंडरगारमेंट फैक्ट्री जो भी है, इसको हम लोग ना अपनी गाड़ी फिलहाल के लिए लैम्बोर्गिनी ना यहां पे खड़ी कर देते हैं, एंड अभी मैं अंदर चलता हूं भाई लेस्टर को पूरा का पूरा सीन बताता हूं, क्योंकि यहां पर तो ना कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो चुकी है। ओके भाई लोग, तो अभी ना मैं इसकी फैक्ट्री के अंदर गया था, लेकिन सारे के सारे वर्कर्स बोल रहे हैं कि भाई वो ना बाहर में ही है, तो यहीं पर कहीं वो होगा, अपने को ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं वो कहां पर है, वो कह रहा है कि सब लोग वो ना बाहर निकला था अभी बात बात करने के लिए फोन में, मुझे लगता है ना या तो इस तरफ होगा कहीं पर, कहां है भाई लेस्टर, लेस्टर लेस्टर यहां भी नहीं है, ये रहा ओके ये रहा भाई यहां पे, भाई यहां पे ये तो फोन वोन पे बात करने में लगा हुआ है भाई, किससे यार पता नहीं। चलो गाइस मैं इसे ना एक बार बात कर लेता हूँ, इसको बोलता हूँ भाई पूरा का पूरा सीन बता देता हूँ। ओके भाई लोग, तो अभी ना मेरी लेस्टर से तो बात हो गई, हम लोगों ने ना पूरा का पूरा प्लान डिस्कस कर लिया है, एंड अभी ये मुझे बोल रहा है कि भाई अब ना अपने को कल जाना पड़ेगा भाई, तो भाई अपने को ना अभी यार लेस्टर ने जितना मुझे बोला है ना भाई उसके घर ही जाना पड़ेगा, उसको कोई बहुत बड़ा बंगलो है और वहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, उसके खुद के बॉडीगार्ड्स गैंगस्टर सब कोई वहां पर रहते हैं, तो वहां पर अपने को जाना पड़ेगा, और वहीं पे उसने ना उनको रखा हुआ है क्योंकि उसका फोन वोन ट्रेस भी कर लिया, तो उसकी लोकेशन तो आ गई है, लेकिन आज हम लोग नहीं जा सकते, अपने को ना पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये ना छोटी मोटी गैंग नहीं होगी वहां पर है भाई, ड्रग माफिया है, तो भाई उसके साथ तो पूरे के पूरे जो जितने भी मतलब कहते हो ना आप लोग यार गैंगस्टर वैंगस्टर पूरी सिक्योरिटी टाइट होगी। तो अभी के लिए ना फिलहाल के लिए तो मैं घर चला जाता हूँ, एंड अब तो यार अपने को रात को प्लान बनाना पड़ेगा एंड कल जाना पड़ेगा। तो होपफुली गाइस आज का एपिसोड ना आई थिंक कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया, तो आज के एपिसोड को यहीं पर एंड करेंगे, और अगला जो एपिसोड होगा उसमें हम लोग आपको पूरा का पूरा दिखाएंगे कैसे ये जो अपने बीवी और बच्चों को बचाएगा या फिर बचा पाएगा या फिर नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो ड्रग माफिया यार उसके साथ लड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होने वाली है, तो हमें वो फ्रैंकलिन की भी जरूरत पड़ेगी, साथ में लेस्टर की भी और साथ में ट्रेवर की भी। तो देखते हैं अभी क्या सीन होता है, आज के एपिसोड को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, होपफुली आप लोग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा सब लोग लाइक कर देना, इस एपिसोड का लाइक टारगेट रहेगा गाइस पूरे के पूरे 80,000 लाइक का,
80,000 लाइक्स का, सब लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को और इस एपिसोड को शेयर करो अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ, जैसे जल्दी जितना जल्दी 80,000 कंप्लीट होता है उसके बाद ही हम लोग तुरंत ले आएंगे गाइस नया एपिसोड। तो मैं मिलता हूं आप लोग से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।